Friend, today we are going to see the Hindu 20th March 2020 news analysis. इसमें total 10 articles है और last में हम लोग MCQ practice करेंगे. तो जो पहला article है related to giving Human Rights Commission more teeth. मतलब syllabus related to this article is given in the right hand side. ये question prelim में question पूछ सकता है और mains में GS paper 2 में question पूछ सकता है. तो न्यूज़ क्या था कि फोर ब्रांच इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंस बॉडी टास्क विथ द प्रोटेक्शन ऑफ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इलेक्शन कमीशन लोकपाल ये सब फोर्थ ब्रांच इंस्टीट्यूशन है. लोकपाल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंफॉर्मेशन कमीशन कमीशन फॉर द वेरियस मार्जिनलाइज ग्रुप सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल अटॉर्नी जनरल पब्लिक सर्विस कमीशन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फाइनेंस कमीशन नीति आयोग मीडिया रेगुलेटर्स अदर्स. तो थ्री अदर्स इंस्टीट्यूशन क्या क्या है तो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी. तो अभी इस आर्टिकल में द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के बारे में बात कर रहा है कि प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एट अ सेंट्रल लेवल स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एट अ स्टेट लेवल एंड ह्यूमन राइट कोर्ट्स power related to inquiry the commission shall while inquiring into the complaint under the act has all the power of the civil court ka power rehta hai kiske paas the national human right commission at commission ke paas national human right commission ke paas kaun sa power hota hai civil court ka power hota hai theek hai summon kar sakta hai enforcing the attendance of witness and examining them on oath discovery and production of any documents receiving evidence on affidavit फिर उसके बाद issuing commission for the examination of witness or documents any other matters which may be prescribed ठीक है. अब क्या है कि स्टेप्स ड्यूरिंग द आफ्टर इंक्वायरी तो इंक्वायरी के बाद स्टेप्स क्या क्या दे सकता है. द कमीशन में टेक्स एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ड्यूरिंग और अपॉन द कम्प्लीशन ऑफ इंक्वायरी अंडर द एक्ट्स क्या क्या कि वेयर द इंक्वायरी डिस्क्लोज द कमीशन ऑफ वेरियस ह्यूमन राइट और नेग्लिजेंस इन द प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस ऑफ ह्यूमन राइट और abatement thereof by a public servant it may recommend to the concerned government or authority to make a payment of compensations or damage to the complainant or to the victim or a member of his family as the commission may consider necessary it initiates proceedings for prosecutions or such other suitable actions as the commission may deem fit against the concerned person or persons to take such further action as it may think fit approach the supreme court or the high court concerned for such direction order or writ as the court may deem necessary ठीक है. ये सब एक्शन ले सकता है ये सब एक बार रीड कर लीजिएगा. फिर एडिटोरियल क्या बोल रहा है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड रिकमेंडेड द मद्रास हाई कोर्ट विल डिसाइड वेदर द रिकमेंडेशन मेड बाय द ह्यूमन राइट कमीशन आर बाइंडिंग और नॉट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन बाय द स्मॉल बेंचेस रिकमेंडेशन नॉट बाइंडिंग to be taken in ordinary sense would be explicitly mentioned if the intention was to make
रिकमेंडेशन बाइंडिंग, ठीक है। तो ऑथर आर्गुमेंट क्या कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट ऑफ अ ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी डिफीटेड इफ द लेफ्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी। ह्यूमन राइट कमीशन हैव द पावर ऑफ सिविल कोर्ट, ठीक है, और फाइंडिंग द कॉज आई जुडिशियल, हेंस द रिकमेंडेशन हैव टू बी बाइंडिंग। तो इसलिए रिकमेंडेशन बाइंडिंग होना चाहिए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट 1993, ठीक है। तो द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हैज़ द पावर ऑफ सिविल कोर्ट, बिल्कुल सही है, सिविल कोर्ट का पावर रहता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास से। फिर द कंसर्न गवर्नमेंट नीड टू बी फॉरवर्ड द कमेंट एंड द एक्शन टेकन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कंपलसरी, हाँ वो बाइंडिंग होता है इसलिए कंपलसरी उस पर एक्शन लेना गवर्नमेंट का काम होता है। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि वह बोथ वन एंड टू सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल है रिलेटेड टू फोर निर्भया कन्विक्ट्स टू बी हैंग्ड, मतलब कि निर्भया का जो था दोषी उन लोग को हैंग कर दिया गया है, ठीक है, 20th मार्च को हैंग कर दिया गया मॉर्निंग में। फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल है रिलेटेड टू इटली ओवरटेक्स चाइना वायरस डेथ ट्रोल। तो अब इटली में क्या हो रहा है कि चाइना से भी ज़्यादा मतलब कि डेथ नोट किया गया है। तो इटली से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेस रीजन इन इटली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ ये प्लेसेस जो कि न्यूज में है उसको अरेंज करना है, ठीक है। तो पहला मिलान बोल रहा है, रोम बोल रहा है, सिसली बोल रहा है, नेपल्स बोल रहा है। तो अगर आपको पता है कि सिसली सबसे साउथ में है तो आप आंसर मार सकते हैं, क्योंकि थर्ड जो है वो सबसे लास्ट होना चाहिए। तो देखो ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, वन यानी कि मिलान सबसे ऊपर में है, फिर सेकंड में है तुम्हारा रोम, फिर उसके बाद नेपल है, फिर उसके बाद सिसली है। तो देखो मिलान मैप में ऊपर में है, फिर रोम्स है, नेपल है, फिर सिसली है, और कुछ भी और कुछ सिटी देख लो जैसे फ्लोरेंसी मिलान, फ्लोरेंसी रोम्स नेपल्स सेलरनो फिर सिसली, ठीक है। और ये भी देख लो कि इटली किसके किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो स्लोवानिया के साथ करता है, ऑस्ट्रिया के साथ करता है, स्विट्जरलैंड के साथ करता है, फ्रांस के साथ करता है, और एक छोटा सा कंट्री है तुम्हारा सैन मैरिनो, ठीक है, उसके साथ भी इटली शेयर करता है सैन मैरिनो। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेटेड टू इंडिगो अनाउंस पेमेंट करते फॉर द एम्प्लॉयज, फिर रियल एस्टेट सेक्टर लाइक टू बी सफर बिग जॉइंट्स, ये सब जितना भी कोरोना वायरस से ज़्यादा सफ़र कर रहा है उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है आर्टिकल्स। और सिलेबस रिलेटेड दिस आर्टिकल आर गिवन बिलो, ये प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है और जीएस पेपर मेंस में जीएस पेपर टू में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, फॉर्मड इन 1946 यानी इंडिपेंडेंस से पहले फॉर्म किया गया था, विद 22 मेंबर्स एंड 252 मेंबर्स एज ऑफ 2018 में 252 बढ़ के हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू वर्क प्रोएक्टिवली फॉर द ग्रोथ ऑफ द हेल्दी प्रोफेशनल एंड फॉरवर्ड लुकिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्रीज कंसिस्टेंट विद पब्लिक गुड्स। हु कैन बिकम द मेंबर, एनी बैंक कॉरपोरेशन कंपनी और सोसाइटी डूइंग बैंकिंग इन इंडिया एंड इज गवर्न बाय द
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 आर एलिजिबल. प्रेजेंट मेंबर पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक हैविंग ऑफिस इन इंडिया, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड ऑल द इंडियन फाइनेंस इंस्टीट्यूशन. याद रखना कि नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं होता इसका मेंबर. न्यूज क्या है कि IBA suggestions for its member to deals with the threats of COVID-19, relocates top officials for the bank to different offices, key officials working with a core banking solution ATM, which treasury and shift operation centers will also be split to different locations, set up alternative disaster रिकवरी सेंटर्स. इंडिगो क्या किया है कि अपना जो भी एम्प्लॉयज़ है उस सबका पे कट किया है. वर्ल्ड कंट्रीज इम्पोज शटडाउन ऑन द इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट इन ऑर्डर टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ COVID-19. ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द एयरलाइंस. इंडिगो वॉज विटनेस अप 20% ड्रॉप इन बुकिंग, फॉल इन रेवेन्यू. इंडिगो हैज डिसाइडेड टू कट सैलरी ऑफ मोस्ट ऑफ इट्स एम्प्लॉयज. It may take 6 months for normalcy. तो Confederation of India Industries ये बोला है कि 6 months चाहिए normal situation होने में. तो Confederation of India Industries क्या है कि एक non-government, non-profit इंडस्ट्री लेड हैंड इंडस्ट्री मैनेज ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंड इन 1895. ऑब्जेक्टिव क्या है, टू क्रिएट द सस्टेन कंडक्टिव इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया बाय पार्टनरिंग विद वेरियस स्टेक होल्डर्स सच एज इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी. 5 प्रायोरिटीज एरियाज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रूरल अर्बन कनेक्शन, एनर्जी सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस. रियल इस्टेट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है. ड्यू टू COVID-19 इम्पैक्ट ऑफ द लाइवलीहुड एंड द इनकम ऑफ ऑलमोस्ट ऑल पीपल फेस डिफिकल्टीज इन पेइंग हाउसिंग लोन एंड इंस्टॉलमेंट्स टू द डेवलपर्स. इम्पैक्ट ऑन द इनकम ऑफ डेवलपर्स. रिजल्ट सर्ज इन and defaults by both customer and developer. Slow demands for commercial and residential real estate. Huge loss of jobs. फिर retailers face large scale closure of COVID-19 alerts. ठीक है, तो retail shop almost closing कर दिया गया है. फिर crisis of for 2021 GDP growth जो forecast 4.2 कर दिया गया है, कम कर दिया गया. ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं. कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन बैंक एसोसिएशन. तो इंडियन बैंक एसोसिएशन इज एसोसिएशन ऑफ द बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया व्हिच इज वाज फॉर्मड बिफोर द इंडिपेंडेंस. बिल्कुल सही है, 1946 में फॉर्म किया गया था. फॉरेन बैंक डूइंग बिजनेस इन इंडिया थ्रू अ बैंक लाइसेंस बाय द RBI इज एलिजिबल टू बिकम द मेम्बर ऑफ IBA. बिल्कुल सही है, वो एलिजिबल होता है. फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेटेड टू द वोमेन मदर इन लॉ हेल्प फॉर द पॉइजनिंग चाइल्ड. अब तमिलनाडु में एक फीमेल चाइल्ड का मतलब कि उसको मारने का केसेस आया है. तो सिलेबस रिलेटेड टू दिस आर्टिकल आर गिवन इन द राइट हैंड साइड. ये प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है, GS पेपर 1, GS पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है. तो न्यूज़ क्या है कि फीमेल इन्फेंटिसाइड्स इन रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु. तो क्रेडल बेबी स्कीम जो तमिलनाडु में चला था, इंट्रोड्यूस इन 1992 बाय द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इन सेलम डिस्ट्रिक्ट. इसमें क्या था कि न्यू बॉर्न बेबी जिसको जो फैमिली उसको मतलब कि केयर नहीं कर सकता है तो वो NGO को सौंप देगा फीमेल बेबी को. तो प्रोवाइड्स क्रेडल्स एट अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सेलेक्टेड ऑर्फेनेज एंड NGO टू रिसीव अनवांटेड न्यू बॉर्न बेबीज
permits parents to give unwanted baby girls anonymously to the state. The state would take care of the baby. Even the state has the right to give them for the adoption. Later in 2001 and 2011 extended to the various other districts. Performance of the scheme. Female infanticides has been constantly reducing. Till March 2019, around 52.39 children, 5,239 children has been received. Male 162, female 4,177. Majority were given for in-country and inter-country adoption. Child sex ratio, Tamil Nadu mein jo ki in 2001 942 tha, 2011 mein badh ke 946 ho gaya is scheme ke karan. To isse related ek prelim ye mens ka question dekh lete hain. Female infanticide is a social evil that still haunts the rights of the life. So ye wala question kariyega, theek hai. Please like, subscribe and share the video. Thank you. Bye.